प्रदेश के असेंबली चुनाव में दो सीटों पर कांग्रेस जीती है, एक पर नहीं जीती है। किस तरह से देखते हैं इस मैंडेट को, क्या राष्ट्रीय राजनीति में हिमाचल में सबक सिखाया जो रिसेंट चुनाव हुए कि दल बदल की राजनीति नहीं चली? देखिए, निश्चित तौर से ये जनता का फरमान है कि जो उन्होंने मत 2022 के आम चुनावों में दिया था उसका रिस्पेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, और जिस तरीके से देश के हर कोने में ये चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास करते हैं उसको ये हिमाचल में भी लागू करने का असफल प्रयास कर रहे थे। मगर हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है और हिमाचल की जनता ने पीछे लोकसभा में जिस तरीके से अलग मैंडेट के साथ आगे बढ़े, मगर इस बारी उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया है। ये इस चीज को दर्शाता है कि दल बदलने की राजनीति को प्रदेश के अंदर पूरे तरीके से नकारा गया है और प्रदेश सरकार को मजबूत किया गया है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया गया है, और हम अपना कार्यकाल पूरा भी करेंगे और अगले चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन प्रदेश के अंदर रहेगा। निश्चित तौर से मैंडेट मिला है तो उसमें डेवलपमेंटल वर्क्स प्लेज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, और जिस तरीके से सरकार मजबूत कार्य कर रही है इन स्पाइट ऑफ द फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स दैट वी आर फेसिंग, उसके बावजूद मजबूत कदम ले रहे हैं, तो निश्चित तौर से जनता उसकी सराहना कर रही है और आने वाले समय में और भी ऐसे कार्य किए जाएंगे, चाहे महिलाओं को समान राशि देने की बात है, चाहे हमारे अनाथ बच्चों को सहयोग देने की बात है, चाहे ओपीएस देने की बात है, चाहे रोजगार के साधन खोलने की बात है। जयराम जी बारी बारी कहते हैं कि हमने रोजगार नहीं दिया है, मैं आंकड़ों के साथ कह रहा हूं कि हमने 1.5 साल के कार्यकाल में सरकारी क्षेत्र में ही 30,000 नौकरियां पैदा करी है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे एजुकेशन में है, चाहे हेल्थ में है, हम हर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बट फिर भी जो भी कुछ और भी काम करने हैं उनको भी हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। फाइनली, एज ए यंग मिनिस्टर, आर यू एंथुसियास्टिक टू सी दिस हिस्टोरिक मोमेंट दैट द चीफ मिनिस्टर एंड हिज वाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम वुड बी सिटिंग इन द असेंबली? डेफिनेटली इट विल बी मेकिंग हिस्ट्री इन विधानसभा वेयर हस्बैंड चीफ मिनिस्टर एंड हिज वाइफ हु इज नाउ एन इलेक्टेड एमएलए, दे बोथ विल बी ग्रेसिंग द विधानसभा एंड दे विल बी रिप्रेजेंटिंग देयर respective constituencies. The chief minister is looking after the entire state, but now in the house she will be known as an MLA, not as chief minister's wife, so she will work for her people. The mandate that the people of Dehra has given her, I'm sure that she will respect that, and collectively the government will work for the upliftment of that area and for the upliftment of the entire region. Thank you. साथ बोलता बोलू।